नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज मैं आप लोग के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ, जीएसटी डिपार्टमेंट जो है वो नोटिस इशू कर रहा है 17-18 के। तो किस लिए इशू कर रहा है, जैसे कि अगर आपने ब्लॉक ITC का जो क्लेम कर लिया है उसके लिए जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो नोटिस इशू कर रहा है। जैसे कि अगर आपने फर्नीचर, पेंट, फूड एंड बेवरेज, जॉब वर्क, इन सब का अगर आपने ITC क्लेम किया है 17-18 के बाद, जब भी आपने ये सारी चीज़ें परचेस की हैं एंड इस परचेस पे अगर आपने ITC क्लेम किया है, तो वो सारी ITC आपको रिवर्स करनी पड़ेगी विथ इंटरेस्ट के साथ। क्योंकि अगर आप स्पेसिफिक बिजनेस कर रहे हैं, पेंट का, अगर फूड बेवरेज का अगर स्पेसिफिक बिजनेस कर रहे हैं, जॉब वर्क दे रहे हैं, आपका स्पेसिफिक बिजनेस ही है जॉब वर्क देना, तो इन सबको अगर आपका स्पेसिफिक बिजनेस है तब कोई इशू नहीं है, तब आप ITC क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका ये बिजनेस नहीं है, आपने अपने बिजनेस को रन करने के पर्पज़ से, बिजनेस में यूज़ करने के पर्पज़ से ये सारी चीज़ें अगर परचेस की हैं, तो वहाँ पे आपको रिवर्स ITC गवर्नमेंट को देना होगा विथ इंटरेस्ट। तो अगर आपने अभी तक ले लिया है तो कोई बात नहीं, उसको रिवर्स कर दीजिए विथ इंटरेस्ट के साथ। और अगर आप अभी से आपको इस पे इनकी ITC क्लेम नहीं करनी है, तो अब तक अगर आपने कर लिया है तो नो इशू आपको देना होगा डिपार्टमेंट को। और अब इन फ्यूचर में आपको इन सारे प्रोडक्ट पे ITC क्लेम नहीं करना है। आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 को रीड कर सकते हैं, जहाँ पे कि मेंशन है ब्लॉक ITC, किस किस चीज़ों पे ITC ब्लॉक है, किन किन चीज़ों पे आप ITC नहीं ले सकते हैं। तो अगर आप रीड करना चाहें तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 को रीड कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।